नमस्कार। मुंबई में गणपति उत्सव पिछले 2 सालों से शांति से मनाया जा रहा था, लेकिन इस साल मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान धुएं का स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। शहर के एक गैर सरकारी संगठन ने यह दावा किया है। आवाज फाउंडेशन की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव के बाबुलनाथ कॉर्नर पर जुलूस के दौरान ड्रम और बैंजो के बजाने से सबसे ज्यादा 115.6 dB और बांद्रा में 112.1 dB ध्वनि निकली। कोविड के कारण 2 साल से उत्सव शांति से और सीमित तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं कुछ समय पहले आप सभी को बता दें, ध्वनि प्रदूषण के लेके लाउड स्पीकर को मस्जिदों से हटाने की बात चल रही थी। दोस्तों, ये दावा मैं नहीं बल्कि आवाज फाउंडेशन की ओर से साझा किया गया है। दोस्तों, गणपति विसर्जन के दौरान ध्यान रखें। बीते कई सालों में समंदर में डूबने से कई मौतें हुई हैं। आप देख रहे हैं SPOPD यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी की बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।